नमस्कार। इस वीडियो में बात करेंगे लोकसभा इलेक्शन 2024 के चौथे चरण का। इलेक्शन पूरा हो चुका है यानी चौथे चरण का मतदान भी हो चुका है और अभी तक 379 सीटों पे मतदान हो चुका है। और 379 सीटों के एग्जिट पोल के आधार पर किस राज्य के अंदर कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीत रही है, वीडियो में आपको पूरी जानकारी बताएंगे। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी वीडियो को पूरा देखें और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले हम बात करें बिहार की, तो बिहार के अंदर कुल लोकसभा की सीटें हैं 40 और अभी तक 19 सीटों पर मतदान हो चुके हैं। यहाँ पर NDA 4 सीटों पर कब्जा करती हुई नजर आ रही है, तो भाई इंडिया 15 सीटों पे कब्जा करती हुई दिखाई दे रही है। वही बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की कुल लोकसभा सीट है 25 और अभी तक 25 सीटों पर तक पूरे मतदान हो चुके हैं। NDA 24 सीटों पे कब्जा कर सकती है, तो वही यहाँ पर इंडिया 0 वही YSRCP यहाँ पे 11 सीटों पे कब्जा करती हुई नजर आ रही है। वही बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर लोकसभा की कुल सीटें हैं 2 और अभी तक दोनों सीटों पर मतदान हो चुके हैं। यहाँ पर दोनों ही सीटें NDA जीतती हुई नजर आ रही है, इंडिया का खाता नहीं खुलेगा। वही बात करें हम असम की, तो असम की कुल लोकसभा सीटें हैं 14 और यहाँ पे 14 सीटों पे मतदान हो चुके हैं। यहाँ पर NDA 9 सीटों पे कब्जा करती हुई नजर आ रही है, तो इंडिया गठबंधन यहाँ पर 5 सीटें जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। वही बात करें हम छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ के अंदर लोकसभा की 11 सीटें और 11 सीटों पे अभी मतदान पूरे हो चुके हैं और यहाँ पर NDA 4 सीटों पे कब्जा करती हुई दिखाई दे रही है, तो इंडिया गठबंधन भी यहाँ पर 7 सीटों पे कब्जा जमाता हुआ दिख रहा है। वही बात करें गोवा लोकसभा सीट की, तो गोवा लोकसभा सीट के अंदर कुल 2 लोकसभा सीट और अभी तक दोनों सीटों पे मतदान हो चुके हैं और यहाँ पर NDA 1 तो वही इंडिया महागठबंधन भी 1 सीट जीत सकता है। वही बात करें गुजरात की, तो गुजरात के अंदर लोकसभा की 26 सीटें और अभी तक 26 सीटों पर मतदान भी हो चुके हैं और यहाँ पर NDA 23 सीटें जीत सकता है, तो यहाँ पर इंडिया कांग्रेस भी 3 सीटों पर कब्जा करता हुआ नजर आ रहा है। वही बात करें झारखंड की, तो झारखंड के अंदर लोकसभा की 14 सीटें और अभी तक 3 सीटों पे मतदान हुए और यहाँ पर NDA 1 सीट, तो वही इंडिया गठबंधन 3 सीटों पे कब्जा जमाता हुआ दिखाई दे रहा है। वही बात करें मणिपुर की, तो मणिपुर के अंदर लोकसभा की 2 सीटें और अभी तक दोनों सीटों पे मतदान हो चुके हैं और यहाँ पर NDA का खाता नहीं खुलेगा। वही यहाँ पे इंडिया महागठबंधन 2 सीटें जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। वही बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक के अंदर लोकसभा की 28 सीटें और 28 सीटों के अंदर पूरे मतदान हो चुके हैं और यहाँ पर NDA 9 सीटों पे कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है, तो वही इंडिया यहाँ पे 19 सीटों पे कब्जा हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। वही बात करें मेघालय की, तो मेघालय के अंदर लोकसभा की कुल 2 सीटें और यहाँ पर दोनों सीटों पर मतदान हो चुके हैं और यहाँ पर NDA 0 सीटें जीत रही है, तो वही इंडिया 2 सीटों पर जीतती हुई दिखाई दे रही है। वही बात करें केरल की, तो केरल के अंदर लोकसभा की 20 सीटें और 20 सीटों पे मतदान हो चुके हैं और यहाँ पर NDA खाता भी नहीं खोल पाएगी, तो इंडिया यहाँ पर 20 सीटें जीत सकती है। वही बात करें मिजोरम की, तो मिजोरम के अंदर लोकसभा की कुल 1 सीट है और यहाँ पे NDA का खाता नहीं खुलेगा, तो वही इंडिया 1 सीट जीत सकती है। वही बात करें हम मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के अंदर कुल लोकसभा की 29 सीट है और 29 सीटों पे मतदान पूरे हो चुके हैं और यहाँ पर NDA 18 सीट जीत सकती है, तो इंडिया गठबंधन भी 11 सीटों पर कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। वही बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के अंदर लोकसभा की कुल 48 सीटें और यहाँ पर 35 सीटों पे मतदान हो चुके हैं, इस पर 11 सीटों पे NDA कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है, तो इंडिया 24 सीटें सीधे तौर पे जीत रही है। वही बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा के अंदर लोकसभा की कुल 21 सीटें और 4 सीटों पे मतदान हुए और यहाँ पर NDA 1 सीट जीतती हुई दिखाई दे रही है, तो इंडिया गठबंधन भी 1 सीट जीतता हुआ नजर आ रहा है। वही BJD लोकल पार्टी 3 सीटें यहाँ पे जीत सकती है। वही बात करें हम तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु के अंदर लोकसभा की 39 सीटें और यहाँ पर NDA खाता भी नहीं खोल पाएगी, तो भाई इंडिया गठबंधन 39 सीटें सीधे तौर पे जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। वही बात करें तेलंगाना की, तो तेलंगाना के अंदर लोकसभा की 17 सीटें और अभी तक 17 सीटों पे मतदान हो चुके हैं, यहाँ पे NDA 0 सीटें जीत रही है, तो वही इंडिया गठबंधन 11 सीटों पे कब्जा जमाता हुआ दिखाई दे रहा था। वही BRS लोकल पार्टी भी 6 सीटें जीत सकती है। वही हम बात करें पश्चिमी बंगाल की, तो पश्चिमी बंगाल के अंदर लोकसभा की
42 सीटें और अभी तक 18 सीटों पे मतदान हो चुके हैं। यहाँ पर एनडीए 2 सीटों पे कब्जा जमाता हुआ नजर आ रहा है, तो वही इंडिया गठबंधन अपना खाता भी नहीं खोल पाएगा। वही लोकल पार्टी टीएमसी 16 सीटों पे जीतती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर के अंदर लोकसभा की कुल 5 सीटें और अभी तक 3 सीटों पे मतदान हो चुके हैं और यहाँ पर एनडीए खाता नहीं खोल पाएगी, तो वही इंडिया 3 सीटों पे कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। वही बात करें हम राजस्थान की, तो राजस्थान के अंदर यहाँ पर लोकसभा की कुल 25 सीटें और 25 सीटों पे मतदान हो चुके हैं। यहाँ पर एनडीए 12 सीटों पे सीधी तौर पर जीत रही है, तो भाई इंडिया गठबंधन 13 सीटों पे कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे भी जानकारी आपको हम देते रहेंगे। मैं अपने वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।